नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है। 1 अप्रैल से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर सफर करना आपके लिए महंगा हो रहा है। जी हां, आपको बताएं कि HSIIDC ने दूरी के हिसाब से वाहनों को श्रेणी में बांट दिया है और ये नई दरें तय कर दी हैं। ये दरें आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। आपको बता दें कि HSIIDC ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ तालमेल कर टोल टैक्स में सभी वाहनों के लिए 8% से लेकर 10% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। टोल टैक्स बढ़ाने के पीछे लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करना बताया जा रहा है। कार, जीप और वैन पर करीब 15 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। पहले 83 किलोमीटर सफर तय करने के लिए जहां पर 1.46 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ता था और इस दर से कार जीप से वसूली की जाती थी, तो अब ये दर बढ़ाकर 1.61 रुपया प्रति कर दी है। अब यहां आपको बताएं कि टोल टैक्स बढ़ाने से लोगों में काफी नाराजगी है और लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन ने वैसे ही लोगों की कमर तोड़कर रख दी है और अब टोल टैक्स के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं और इसी की वजह से उनकी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चालकों को क्या, आम जनता को जो भी है, चालक तो कोई भी हो सकता है, बाकी ये सारा की सारा जिस तरह से COVID-19 कोरोना महामारी जो आई उसके बाद वैसे ही काम धंधे लोगों के ठप हुए। अब एक के बाद एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो सरकार के जो महंगाई बढ़ रही है ना, चाहे आप रसोई गैस को ले लो, चाहे आप ये टोल टैक्स की जो अभी बढ़ोतरी की है, डीजल पेट्रोल पिछले 7 दिनों से देख रहे हो, 7 दिनों में 6ठी बार 100 के पार पहुंच गया है। आम जनता पर तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ना ही है क्योंकि महंगाई तो पहले से ही बहुत थी और अब डीजल और पेट्रोल CNG के दाम डेली बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी पता है अभी 2 दिन पहले भी कुछ पैसे बढ़े थे, कल भी बढ़े हैं और पेट्रोल अब फरीदाबाद में तो 100 के पार हो चुका है और अब डीजल में भी वही वृद्धि शुरू होने वाली है और अब ये KMP वाला टोल टैक्स पे और वृद्धि करेंगे तो आम जनता पे तो मार पड़नी ही पड़नी है। तो बता दें कि पेट्रोल डीजल के जहां दाम बढ़े हैं तो दूसरी तरफ टोल दरों में भी 8 से 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ऐसे में जो आम जनता है वो बहुत ही परेशान है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि CNG PNG के दाम बढ़े, LPG के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अब रही सही कसर जो बाकी थी वो भी पूरी हो गई है क्योंकि टोल दरों में 8 से 10% की बढ़ोतरी कर ली गई है और इसका असर सीधा सीधा सिर्फ आम जनता पर ही पड़ेगा क्योंकि जो इसके अलावा लोग होते हैं उन पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम जनता पर इसका बड़ा फर्क पड़ता है।